वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 16th एंड 17th अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट पेरिस ओलंपिक्स 2024 खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में कल की न्यूज़ थी बट कल वीडियो में अपलोड नहीं कर पाई। तो अब जब ओलंपिक्स खत्म हो चुके हैं, किसने कौन सा रैंक हासिल किया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ओवरऑल मेडल टैली की बात करें, टॉप किया है यूएसए ने विद 126 मेडल्स, सेकंड रैंक आया है चाइना का विद 91 मेडल्स, 71st रैंक है इंडिया ने हासिल किया विद 6 मेडल्स। इन 6 मेडल्स में से एक सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। ठीक है, अब मैंने कहा था आपको कि पेरिस ओलंपिक्स पे मैं वीडियो लेकर आऊंगी बट थोड़ा नहीं बन पाया शेड्यूल, बट हाँ मैंने कहा है तो वीडियो तो आपको विद इन अ वीक तो आ ही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो हुए 2024 के समर ओलंपिक्स, 2028 के समर ओलंपिक्स शेड्यूल किए गए हैं टू बी हेल्ड इन लॉस एंजल्स यूएसए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये हमारा एक डे छूट रहा था। ठीक है, तो अब वही चीज हम अभी पढ़ेंगे आज के वीडियो में, दैट वर्ल्ड एलिफेंट डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को टू रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एलिफेंट्स इन आर इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में एलिफेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। बात करें इस साल के थीम की तो थीम रहा पर्सनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलिवेंस एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस। आगे अगर हम बात करें तो एलिफेंट्स जो हैं वो सबसे बड़े लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स हैं इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लैंड पे चलने वाला एनिमल सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ साइज हम बात कर रहे हैं, है ना। इसी के साथ इंडिया जो है दैट इज होम टू अबाउट 60% ऑफ द ऑल एशियन एलिफेंट्स, जो भी जितने भी एशियन एलिफेंट्स हैं उनमें से 60% पॉपुलेशन इंडिया में उनकी पाई जाती है। एशियन एलिफेंट्स का IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड। ठीक है, इस चीज के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे जब हम एनवायरमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे चलें, थर्ड पॉइंट अपना देखें, सो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर हैज बीन डिस्कवर्ड इन, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर रिसेंटली डिस्कवर किया गया है कहां पे, टर्की में। ठीक है, अब इच्ड इन अ 12,000 ईयर ओल्ड स्टोन पिलर, मतलब इसको जो है इचिंग की गई है, इसकी 12,000 साल पुराना एक पत्थर का पिलर है उसके ऊपर ये सारा जो है एक तरह से खुदाई की गई है, है ना, ये नक्काशी की गई है बोलो। तो ये चीज जो हमने कहा कि दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है टर्की में डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया, तो आर्कियोलॉजिस्ट थे एट दी गोबेकली टेपे साइट इन टर्की, उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया है। ये जो हमने पढ़ा गोबेकली टेपे साइट जो है टर्की में, ये है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड सो फार, वर्ल्ड का सबसे पुराना किसी आदमी या लोगों के द्वारा बनाए गए कोई स्ट्रक्चर आज तक जो डिस्कवर की गई है दुनिया की सबसे पुरानी वो है ये, एक बार गूगल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राइट, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है दैट बांग्लादेश के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट किए गए हैं, रिफात अहमद अपॉइंट किए गए हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा कौन बने हैं, पॉल कागामे बने हैं, फोर्थ टाइम यानी चौथी बार ये वहां के प्रेसिडेंट बने हैं। रवांडा की बात करें तो ये एक एशियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है किगाली। सिक्स पॉइंट अपना देखें, सो बुक ब्रह्मा साहित्य पुरस्कार 2024 पहली बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, किसे दिया गया, बी जयमोहन को दिया गया जो कि तमिल एंड मलयालम राइटर हैं, उनके जो बुक है वेन मुरासु दैट इज द वाइट ड्रम जो कि दुनिया की सबसे लंबी नोवेल मानी जाती है, उस नोवेल के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। अवार्ड का नाम क्या है, बुक ब्रह्मा साहित्य पुरस्कार 2024। कहां पे दिया गया, बुक ब्रह्मा लिटरेचर फेस्टिवल एक होता है ना, वहां पे ये दिया गया। ये जो अवार्ड है इंडियन लैंग्वेज के जो राइटर्स होते हैं उन्हें दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलें, सेवन्थ पॉइंट अपना देखें, फर्स्ट एवर ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग, पहली बार होने जा रही है ग्लोबल लेवल पे वुमेन्स कबड्डी लीग, कहां पे, हरियाणा में। क्या होगा इस पूरी लीग का नाम, द ग्लोबल प्रवासी वुमेन्स कबड्डी लीग, ऑर्गेनाइज कौन करेगा,
HIPSA प्लस वर्ल्ड कबड्डी। ये क्या है, होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड वर्ल्ड कबड्डी मिलके से ऑर्गेनाइज करेंगे। टीम्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इस टूर्नामेंट में। जैसे इंग्लैंड की टीम आएगी, पोलैंड की आएगी, अर्जेंटीना, कनाडा, इटली, यहां सबकी टीम्स यहाँ पे आके जो है वो परफॉर्म करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आगे चलें, 8th पॉइंट अपना देखें। सो एक्सरसाइज मित्र शक्ति, 10th एडिशन हुआ है इस साल। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। इस साल 10th एडिशन हुआ है, कहां पे, श्रीलंका के मदोरु ओया में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल है वहां पे, मतलब श्रीलंका में हुआ है। तो कौन सा एडिशन है, कहां पे हुआ है, किस तरह की एक्सरसाइज है, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड पेज की ओर। आज का 9th पॉइंट देखते हैं, NIRF रैंकिंग्स 2024 रिसेंटली रिलीज की गई है, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इस रैंकिंग में ओवरऑल कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है, IIT मद्रास ने। इसी के साथ 6th टाइम लगातार कंट्री का लीडिंग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना है IIT मद्रास। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। अब इसमें भी ना अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ओवरऑल IIT मद्रास ने टॉप किया है, ठीक है, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटीज की जो कैटेगरी है उसमें इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। ये रैंकिंग्स किसने अनाउंस की है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस की गई है। बेस्ट यूनिवर्सिटी कंट्री में कौन बनी है, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटक। मैनेजमेंट कैटेगरी में टॉप किसने किया है, IIM अहमदाबाद ने किया है। ठीक है, 9th पॉइंट हो गया, आगे चलें 10th पॉइंट अपना देखें। सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, ये लोकार्नो है, ठीक है, LOCARNO, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, जो कि 77th एडिशन इस फिल्म फेस्टिवल का हुआ है, वहां पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, शाहरुख खान को दिया गया। इस अवार्ड को और नाम से भी जाना जाता है, इस अवार्ड को मेनली कहते हैं कैरियर लेपर्ड और पार्डो अला कैरीरा, है ना, इंग्लिश में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया एट दी 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। लोकार्नो जो है एक सिटी का नाम है जो कि स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। सो एज पार्ट ऑफ लोकार्नो ट्रिब्यूट द फेस्टिवल ऑल्सो स्क्रीन हिज 2002 हिट फिल्म देवदास। जो देवदास मूवी है शाहरुख खान की, वो भी यहां पे जो है स्क्रीन की गई। ठीक है, चलिए आगे चलिए, 11th पॉइंट अपना देखिए। सो एंटी डायबिटिक हर्ब, हर्ब माने जड़ी बूटी, है ना, चलिए एंटी डायबिटिक जो मतलब डायबिटीज के अगेंस्ट हो, डायबिटीज को ठीक करती हो, है ना, इस तरह की हर्ब जो है रिसेंटली डिस्कवर की गई है रिसर्चर्स के द्वारा बिहार के गया के ब्रह्मयोनी हिल्स में। ये फाइंडिंग्स की, हाँ, इस तरह की एंटी डायबिटिक हर्ब जो है वो फाउंड की गई है, डिस्कवर की गई है बिहार में। ये फाइंडिंग पब्लिश की गई IJCRT, दैट इज द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स में। ये स्टडी कंडक्ट की है किसने, मगध यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने। ठीक है, चलिए इसके साथ ये पेज भी हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोग वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं नोट्स बना रहे हैं या नहीं, एंड कोई भी डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 12th पॉइंट है दैट फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मनी टू गर्ल्स स्टूडेंट्स टू बाय सैनिटरी नैपकिन्स। सैनिटरी नैपकिन्स परचेज करने के लिए पहली स्टेट कौन सी बनी है जो लड़कियों को पैसा प्रोवाइड करवाएगी, मध्य प्रदेश बनी है। 300 रुपए साल के प्रोवाइड करवाए जाएंगे अंडर द सैनिटेशन एंड हाइजीन स्कीम। क्लास 7th से क्लास 12th तक जो गर्ल्स पढ़ती हैं उन्हें यहां पे मनी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसी स्कीम के अंडर जो है कवर किया जाएगा 19 लाख स्टूडेंट्स को। ठीक है, आगे चलें 13th पॉइंट अपना देखें। सो अमृत ज्ञान कोश पोर्टल एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किए गए हैं किसके द्वारा, जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके द्वारा। कहां पे, एट द पब्लिक सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस जो कि विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुई है। अब ये जो पोर्टल्स है ना, ये ट्रेनिंग जो पब्लिक सर्विस समझते हैं, जैसे UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, मतलब ऐसी सर्विसेज जिसमें आप लोगों के लिए कुछ सेवा कर रहे हो, है ना। नो डाउट आपको सैलरी तो मिलेगी, अपने खर्चे भी निकालने, लेकिन आप अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ कर रहे हो, है ना, कुछ सहयोग दे रहे हो किसी भी तरह से। तो पब्लिक सर्विस में जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए इस तरह के पोर्टल चाहिए। ठीक है, आगे चलें 14th पॉइंट अपना देखें। सो 28th एडिशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट
स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड इन, अच्छा ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, 28th एडिशन था, कॉन्फ्रेंस का नाम यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में, ऑर्गेनाइज की गई किसके द्वारा, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या रहा, यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथनिंग स्टेट स्टेटिस्टिकल सिस्टम, और इनॉग्रेट किसने किया है, थीम आपको एज इट इज याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते आते हैं, थीम एडिशन लोकेशन किसने ऑर्गेनाइज किया किसने इनॉग्रेट किया, तो यूनियन मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह जी ने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था। ठीक है, अब देखिए हम पहुंच गए आज के लास्ट पॉइंट की ओर एंड देन हमारा वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। सो हेड कोच इंडिया जूनियर मेन्स टीम के कौन अपॉइंट किए गए हैं, पी आर सृजेश, जो कि 2024 समर पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। इसी के साथ इन्होंने अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस की है फ्रॉम द स्पोर्ट आफ्टर द पेरिस ओलंपिक्स। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ये कौन से खेल से कौन से स्पोर्ट्स से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।